मध्यमा धनदा शांति क्रोते शाम या नामिका। मध्यमा धनदा, जो मध्यमा उगली है वो धन देती है। इसलिए मैं बहुओं को, भाइयों को मैं कहता रहता हूँ, आपके मम्मी पापा भजन करते हैं इनको रोकिए मत, तीर्थ यात्रा करते हैं रोकिए मत। मध्यमा उगली ये है उगली मध्यमा। इसमें लिखा है कि माला के ऊपर जब मध्यमा उगली लग जाती है तो इससे धन की आवक होती है, गरीबी का नाश होता है। इसलिए मध्यमा उगली का माला से लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भजन आप करें, बच्चों के लिए रुपया पैसा आवे, क्योंकि कार्तिक नहाओ चाहे माओ और बिना पैसा के हो ही नहीं ब्याह। तो धर्म कर्म करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, रुपया चाहिए। तो आप जप में जब यह मध्यमा उगली लगाते हो तो इससे आप संसार के ऋण से मुक्त होते हो, कर्जा वर्जा नहीं बढ़ता। बात समझ में आ रही है? और फिर लिखा है शांति तेषाम अनामिका। और जब ये अनामिका उगली आपकी माला के ऊपर लगती है तो इससे तत्काल शांति मिलती है। यह है अनामिका। इसलिए जब करते समय दो उगली और एक अंगूठा, तीन में ही माला घूमनी चाहिए। अंगूठा आपको मोक्ष देगा, मध्यमा उगली धन देगी, और अनामिका उगली है वो आपको शांति देगी। बुलबांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधेश। कनिष्ठा रक्षणीय जप कर्माणि शोभने। कनिष्ठ का ये छोटी उगली है, इसको भी अलग रखिए कि अंगुष्ठेन जपे जाप्या मनिर अंगुले भी। अंगूठा लगाए बिना जप का कोई भी फल मिलता नहीं है। अंगुष्ठेन बिना कर्मा कृतम तद फलम यतः, अंगूठे के बिना कोई इस सत्कर्म का फल ही नहीं है। सर्वम सर्व यज्ञ भ्यो जप यज्ञ विशिष्यते। लिखा है यज्ञ और जप में अंगूठे का लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अब आप कहोगे कि यज्ञ में अंगूठा कैसे लगाया जाए? जब आप आहुति डालते हैं तो दो पौड़ियों के ऊपर होती है सामग्री, उसके नीचे अंगूठा ऐसे लगाना पड़ता है। इसमें लिखा है यदि अंगूठा सामग्री में ऐसे नहीं लगाओगे तो आहुति डालने का कोई फल ही नहीं मिलेगा। बहुत लोग कैसे डालते हैं आहुति, यूँ ऐसे लेकर के, ऐसे यूँ करके स्वाहा, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें लिखा है अंगुष्ठेन जपे यज्ञ, ना तो अंगूठा के बिना जप हो सकता और ना अंगूठे के बिना यज्ञ हो सकता। आप सर्वाभी पकड़ते हैं तो अंगूठा लगाना पड़ेगा। आप आहुति डालते हैं, बहुत लोग तो कैसे डालते हैं मैंने देखा है, ऐसे भरेंगे न्यो स्वाहा, फिर न्यो भरेंगे स्वाहा। एक बार में सामग्री छह मासा, जो आगे के पोटुआएं आपके अनामिका और मध्यमा उगली के, इनको जो नीचे रेखा बनी है आगे के भाग को पोटुआ कहते हैं, तो इसके ऊपर जितनी सामग्री आ जाए उतनी खुराक देवताओं की है। देवता थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, थाल भर भर के तो हम लोगों के लिए चाहिए। रात को भर लेते हैं, सुबह फिर खाली हो जाते हैं, फिर दिन में भरते हैं, रात को फिर खाली हो जाते हैं। देवताओं की खुराक बहुत थोड़ी है। अपने आगे छह मासा यानी आगे के पोटुओं पर रखी गई सामग्री और नीचे उसके लगाइए अंगूठा सामग्री के नीचे। और सामग्री कभी ऐसे नहीं डाली जाती, सामग्री ऐसे डाली जाती है स्वाहा, फिर ले लो स्वाहा। ये उगली ये दूर होती है, उसमें भी तीन ही चलती हैं। फिर कहा जाता है स्वाहा अंगुष्ठेन जपे जाप्य मंत्र अंगुली भीषा। उसमें भी वो तर्जनी और छोटी उगली नहीं लगाई जाती। अंगुष्ठेन बिना कर्मा कृतम तत् फलम यतः, अंगूठे के बिना सदकर्म का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अंगुष्ठ को, अंगूठे को लगाया जाता है। हिंसया तय प्रवर्तते जप यज्ञ होने हिंसया। जप करने से व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। पूजा की बड़ी बड़ी शक्तियां धरती पर अध्यात्म युग में, लेकिन ध्यान से भी ज्यादा प्रभावशाली जप है। ध्यान से भी ज्यादा जप,
जप को एक बहुत बड़ा यज्ञ बताया है, इसलिए नित्य जप किया करें। किसी अच्छे से महापुरुष से महात्मा से मंत्र दीक्षा लेके कुसाया उनका आसन पंचपात्र माथे पर रोजाना, जैसे सद्भा नारी अपने भाल पर रोज सिंदूर लगाती है, भगवान के भक्तों को अपने माथे पर रोली और चंदन ऐसे ही नित्य लगाना चाहिए, क्योंकि चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये रोली चंदन का महत्व है। अपने बच्चों को भी आदर डालिए, आप जो चाहें आप बच्चों को वह बना सकती हैं। माता में इतनी ताकत है, वो चाहें तो कलेक्टर को पैदा कर दे, डॉक्टर को पैदा कर दे, किसी बहुत बड़े महात्मा को पैदा कर दे, और वो चाहें तो एक डांकू को पैदा कर दे, ये सब उसके हाथ में है। नारी में वह ताकत है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप औलाद को क्या बनाना चाहते हैं। धन्यवाद करूंगा उन माताओं को जो अपने बच्चों को मठ मंदिर तीर्थ यात्रा देवालय गुरुजनों के पास लेके जाते हैं। दो चार दिन में तो, दो चार फेरी में तो हो सकता है कि बच्चों को बाबा जियों का दरबार उतना अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये आपका काम दौरा चलता रहेगा तो हो सकता है एक बार के लिए गुरु देहली के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं रह पाएंगे। इस देहली का स्वाद ही इतना अद्भुत है, जो चखे वही आनंद में, बहुत आनंद आता है।